स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर डा में। दोस्तों आज हम आपके लिए IDFC का एक ऐसा फंड लेकर आए हैं जिसके अंदर आप एक बार पैसे निवेश करके हर महीने 17,850 रुपये की इनकम शुरू कर सकते हैं। और दूसरा फायदा ये कि यहाँ पर आप जो पैसा निवेश करेंगे वो पैसा भी बढ़कर करीब 5,07,35,503 रुपये हो जाएगा। या फिर दोस्तों अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप हर महीने मात्र 800 रुपये निवेश करके भी इस फंड से करीब 90,06,000 रुपये का फंड बना सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो लमसम इस फंड के अंदर 50,000 रुपये का निवेश करके भी अपने लिए 55,00,000 रुपये तक का फंड बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों निवेश प्लान करना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और वो भी ऐसी जगह जहां पर आप निवेश करके अपने लिए एक गोल सेट कर सकें और अपने पैसे को कई गुना तक बढ़ा सकें। और आजकल अगर निवेश प्लान करने की बात होती है तो ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड स्कीमों की तरफ रुख कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न है वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अगर हम बैंक FD की बात करें, पोस्ट ऑफिस की या फिर LIC की स्कीमों की, तो यहाँ पर आपको इस वक्त ज़्यादा फायदा नहीं होता है, जबकि म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर आपको जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है। यही वजह है दोस्तों आज हम जो फंड लेकर आए हैं उस फंड का ऑल टाइम का रिटर्न काफ़ी शानदार 17.62% है। यानी एनुअल रिटर्न जो मिला है आपको वो 17.62% मिला है। इस रेट के हिसाब से अगर आपने इसमें पैसे निवेश किए होते तो लगातार 10 साल से इसी रेट के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते। पिछले सिर्फ 5 साल की बात करें तो इस फंड का रिटर्न शानदार 12.55%, पिछले 3 साल की बात करें तो 24.05%, अगर 1 साल की बात करें तो 5.46%, और सिर्फ 6 महीने की बात करें तब भी इस फंड ने शानदार तरीके से 16.62% का रिटर्न दिया है। फंड का नाम है IDFC टैक्स एडवांटेज ELS डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। दोस्तों यहां पर इस फंड के अंदर आप टैक्स बेनिफिट का फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यहाँ पर आप निवेश करना चाहते हैं तो 3 ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। चाहे तो आप हर महीने एक इनकम शुरू कर सकते हैं SWP प्लान के तहत, या फिर अगर आप चाहें तो SIP के थ्रू हर महीने थोड़े थोड़े पैसे निवेश करके एक बड़ा फंड बना सकते हैं, या फिर लमसम बैंक FD की तरह निवेश करके भी यहाँ पर आपको एक बड़ा फंड बन जाएगा। स्कीम की अगर हम फंड साइज़ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लोगों ने करीब 4,090 करोड़ रुपये का निवेश किया हुआ है। बात करें रेटिंग की तो स्कीम की रेटिंग शानदार 4 है। मिनिमम की बात करें तो 500 रुपये SIP से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं, और लमसम 5,000 रुपये से NAV नेट एसेट वैल्यू की बात करें तो यह है 113 रुपीज, यानी कि 113 रुपये जो पैसे आप निवेश करेंगे, और जो भी करंट NAV का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाती हैं। होल्डिंग एनालिस की बात करें तो इक्विटी के अंदर 92.5% पैसा यूज किया गया है, कैश के अंदर 7.4% और डेट के अंदर 0.1%। सेक्टर लोकेशन की अगर बात की जाए तो फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर 29.6% पैसा यूज़ किया गया है टोटल फंड साइज़ का। ऑटोमोबाइल्स के अंदर 11.5%, अदर सेक्टर के अंदर जो स्टॉक्स वहाँ पर 11%, टेक्नोलॉजी में 10.7%, कंस्ट्रक्शन में 8.4%, हेल्थ केयर में 6.9%। अगर हम टॉप होल्डिंग की बात करें, स्टॉक पर नज़र डालें, तो यहाँ पर ICICI बैंक, इन्फोसिस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, इस तरह के टोटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर जिनके अंदर पैसा निवेश किया गया है 46 स्टॉकों में। बात करें हम एक्सपेंस रेशियो यानी खर्चे की, तो इस म्यूचुअल फंड्स का खर्चा भी कम ही है 0.74% का। यानी कि दोस्तों जो पैसे आप निवेश करते हैं उसमें से एक्सपेंस रेशियो काट कर ही आपको यूनिट लॉट की जाती है करंट NAV के प्राइस से। एग्जिट लॉट नील है, यानी कोई भी एग्जिट लॉट नहीं है। अगर हम दोस्तों टैक्स की बात करें तो यहाँ पर रिटर्न पर 15% टैक्स आपको देना पड़ता है अगर आप 1 साल से पहले पैसा निकालते हैं तब, लेकिन अगर आप 1 साल के बाद पैसा निकालते हैं तो यहाँ पर आपको LTCG का चार्ज 10% देना होता है अगर आपका रिटर्न 1 साल में 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है। फंड मैनेजमेंट की बात करें तो डेनियल इस फंड को 2016 से मैनेज कर रहे हैं। IDFC म्यूचुअल फंड हाउस की बात करें तो यहाँ पर AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 1,22,101 करोड़ रुपये है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर IDFC म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। कंपनी की रैंक इंडिया में 9 नंबर पर है, और फंड हाउस स्टार्ट हुआ था 1999 में। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप एक बार 18,00,000 रुपये का निवेश करते हैं और यहाँ पर आप अपने लिए हर महीने इनकम शुरू करते हैं 17,850 रुपये की, रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले टाइम में 17% का। अगर आप लगातार 10 साल तक इस पैसे को निवेश करके रखते हैं तो 17,850 रुपये इनकम के हिसाब से 10 साल में आपको 21,42,000 रुपये का पेआउट मिल जाएगा, और आपके 18,00,000 रुपये बढ़कर 10 साल में 34,92,542 रुपये हो जाएंगे। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर 20 साल की, तो 17,850 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से 20 साल के अंदर आपको 42,84,000 रुपये का पेआउट मिल जाएगा, और आपके 18,00,000 रुपये बढ़कर 20 साल में 1,16,28,302 रुपये हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम 30 साल की बात करें तो यहाँ पर 17,850 रुपये हर महीने इनकम के हिसाब से 30 साल में आपको 64,26,000 रुपये का अमाउंट मिल चुका होगा, और आपके 18,00,000 रुपये भी बढ़कर 5 करोड़
7,35,503 रुपये हो जाएंगे। अगर आप दोस्तों एक साथ पैसे मात्र 50,000 रुपये निवेश करते हैं और रिटर्न आपको मिलता है 17% का, और इस पैसे को इस फंड के अंदर निवेश करते हैं 10 साल के लिए, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 1,90,341 रुपये का, यानी आपके 50,000 रुपये बढ़कर 10 साल में हो जाएंगे 2,40,341 रुपये। अगर हम दोस्तों बात करें यहाँ पर 20 साल की, तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 11,05,280 रुपये का, यानी कि आपके 50,000 रुपये बढ़कर 20 साल में हो जाएंगे 11,55,280 रुपये। दोस्तों इस पैसे को अगर आप 30 साल तक निवेश करके रखते हैं तो आपको एस्टिमेट रिटर्न मिलेगा 55,03,233 रुपये का, यानी टोटल 50,000 रुपये आपके मिलाकर आपको मिलेंगे 55,53,233 रुपये। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो मात्र आप 800 रुपये हर महीने निवेश करते हैं लगातार 10 साल तक, और रिटर्न आपको मिलता है 17% पर एनम का। तो दोस्तों 10 साल में 800 रुपये हर महीने के हिसाब से आप 96,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें रिटर्न आपको मिल जाएगा 1,56,508 रुपये का, यानी कि 10 साल के बाद आपके पास पैसे होंगे 2,52,508 रुपये। दोस्तों इस SIP को अगर आप लगातार कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, तो 800 रुपये हर महीने के हिसाब से आप टोटल इसके अंदर 1,92,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें रिटर्न आपको 14,26,333 रुपये का मिल जाएगा, यानी 20 साल के बाद आपके पास 16,18,333 रुपये होंगे। अगर आप लगातार 30 साल तक 800 रुपये महीना SIP कंटिन्यू करते हैं तो आप टोटल इसके अंदर 2,88,000 रुपये का निवेश करेंगे, इसमें रिटर्न आपको 87,18,131 रुपये का मिल जाएगा, यानी 30 साल के बाद आपके पास 90,06,131 रुपये होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वो लोग जो हर महीने एक इनकम शुरू करना चाहते हैं वो लोग भी निवेश कर सकते हैं, या फिर जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो वो हर महीने मात्र 800 रुपये निवेश करके भी अपने लिए करीब 90,00,000 रुपये तक का फंड बना सकते हैं, या फिर अगर आप 50,000 रुपये निवेश करना चाहते हैं अपने भविष्य के लिए तो वो लोग भी यहाँ पर निवेश करके 55,00,000 रुपये तक का फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।